हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वंस अगेन माई नेम इज़ नाजनीन शेख और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू हमारे सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स जो कि फर्स्ट ईयर बी कॉम बी एम एस बैफ बी बी आई बी ए के लिए कॉमन सब्जेक्ट है ओके चैप्टर टू जो है इस सब्जेक्ट में एक्चुअली अगर देखा जाए तो चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सब आपस में इंटरलिंक है तो अगर आपको चैप्टर टू समझना है तो आप चैप्टर वन को जाकर आपको रेफर करना होगा कि क्या एग्जैक्टली चैप्टर वन है जैसे एक बेस होता है बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है जब वो स्ट्रांग होगा तो जाके बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है सिमिलरली चैप्टर टू थ्री फोर फाइव जो है ये सब कुछ बेस्ड है आपके चैप्टर वन में क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपके चैप्टर वन में दी हुई है तो वही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वन का लिंक भी है आप लिंक पर क्लिक कर सकते हो चैप्टर वन जाकर दे सकते हो हो उसके साथ साथ हमने स्पेसिफिकली एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया था तो वो भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हो तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टू फाउंडेशन कोर्स का जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी अब ये डिस्पैरिटी होता क्या है व्हाट एग्जैक्टली डू मी मीन बाय दिस टर्म कॉल डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं या फिर हम इसको अगर साधारण भाषा में बात करें तो ये होता है असमानता 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 मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है कुछ ना कुछ डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में लोगों को डिफरेंशिएट किया गया है असमानता है कौन से बेसिस पर असमानता है जी बिल्कुल है असमानता कौन से बेसिस पर है जेंडर के बेसिस पर असमानता है यस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे असमानता है यस इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे ऐसा मानता है बिल्कुल तो ये सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर सोसाइटी को डिवाइड किया गया है तो इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं पहले तो हम वो देख लेंगे इस चैप्टर के ये सारे मेन टॉपिक्स है इसी के साथ ये एडिशनल टॉपिक्स है जो कवर होने वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक्स भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो क्या बोलता है स्ट्रेटिफिकेशन और इनक्वालिटी के ऊपर हम बात करेंगे जेंडर डिस्पैरिटी जेंडर डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे अगर आपने चैप्टर वन देखा होगा तो उसके अंदर भी जेंडर रेशियो के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है प्लीज चैप्टर वन रेफर कीजिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कितने टाइप्स ऑफ वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट उसी के साथ साथ फीमेल फीटिसाइड पोट्रियल ऑफ़ वुमेन इन मीडिया किस तरीके से मीडिया जो है एक इमेज क्रिएट करती है औरतों की मीडिया का क्या रोल रहता है वो हम देखेंगे डिस्पैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिजेबिलिटी हम देखेंगे किस तरीके के डिफरेंसेस है किस तरीके की असमानताएँ जो है वो है फिजिकली हैंडी कैप मैंटली हैंडी कैप्ड यानी कि अलग अलग डिस्बिलिटीज़ है जिसके बारे में हम देखने वाले इस चैप्टर में उसी के साथ साथ हमारे एडिशनल टॉप टॉपिक्स भी इंक्लूड है जो हमने आपके सामने यहाँ लिख कर रखे हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली exactly इस चैप्टर के बारे में ये चैप्टर हमको क्या एक्सप्लेन करना चाहता है तो लेट अस गो टू द चैप्टर स्ट्रेट अवे ओके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये जो टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन इसका मतलब होता है क्लासीफिकेशन इसका मतलब होता है क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन का मतलब क्या होता है मतलब होता है डिवीजन यानी कि सोसाइटी जो है हमारी उसको डिवाइड किया गया है कौन से कौन से बेसिस पर स्ट्रेटिफिकेशन या क्लासीफाई किया गया है आइए हम देखते हैं इन एनी सोसाइटी इट्स मेंबर्स आर नॉट इक्वल किसी भी सोसाइटी में मेंबर्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं माने जाते हैं क्यों इक्वल नहीं माने जाते हैं कास्ट अलग हो सकती है ऑक्यूपेशन अलग हो सकता है इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो सकते, सकते हैं क्लास अलग हो सकती है जैसे अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास तो हमने सोसाइटी में सबको इक्वालिटी नहीं दी है. हमने असमानताएं है बनाई हैं हमने क्लासीफाई किया है लोगों को कि अपर क्लास में कौन आएगा मिडिल क्लास में कौन आएगा लोअर क्लास में कौन आएगा कास्ट सिस्टम अगर हमने देखा होगा ब्राह्मींस क्षत्रिय वैश्य शूदराज ये सब हमने देखा है तो किस बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती है तो जब सोसाइटी को आप क्लासीफाई कर देते हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी बुला सकते फॉर इंस्टेंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट सोशल क्लासेस लोअर इनकम ग्रुप जैसे मैंने आपको बोला मिडल इनकम ग्रुप हो सकता है अपर इनकम ग्रुप हो सकता है राइट right? तो ये अलग अलग इनकम के बेसिस पे आपने क्या, क्या है? किया है सोसाइटी को डिवाइड किया है कास्ट सिस्टम रैंक ग्रुप्स एज अपर को लोअर एंड मिडिल क्लास तो यानी कास्ट सिस्टम जो होता है वो भी सोसाइटी को डिवाइड करता है कैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन इक्वालिटी जैसे मैंने बोला स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना या फिर डिवाइड कर देना तो स्ट्रक्चर्ड इन इक्वैलिटी होती है विच रेट्स एंड रैंक्स मेम्बर्स ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन अ डेफिनेट क्राइटेरिया कौन से कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है उसको हम कह कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट लिमिट्स एक्सेस टू पावर अपॉर्चुनिटीज प्रिविलेजेस एंड वेल्थ जब हम सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं से फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट या लोअर कास्ट अपर मिडिल क्लास अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर मिडल क्लास लोअर क्लास तो जब हम सोसाइटी को रैंक करते हैं उस हिसाब से हमको कुछ प्रिवलेज जो है वो मिलते हैं यानी कि अगर आप अपर कास्ट को अपर क्लास को बिलोंग करते हो तो काफ़ी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो एक लोअर क्लास या लोअर कास्ट के लोगों को नहीं मिलते हैं ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ एन एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्लासीफाइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे जब आप सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो वो भी आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही हुआ स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हमको याद रखना है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन या फिर डिवीजन डिवाइड करना द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेडिफिकेशन पेस्टोस प्रेस्टीज एंड प्रिवेजेस ऑन द इलाइट क्लास यानी कि जो इलाइट क्लास होती है इलाइट क्लास मतलब अपर क्लास जो होती है उनको सबसे ज्यादा प्रिवेलेज मिलते हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू योर मिडल क्लास और योर लोअर क्लास सो दैट इज हाउ द सोसाइटी हैज़ बिन डिवाइडेड इस तरीके से सोसाइटी ने अपने हर एक मेम्बर को क्या किया है क्लासीफाई किया है डिवाइड किया है कि अगर आपकी ये इनकम ग्रुप है तो आप अपर में रहोगे अगर आपकी स्पेसिफिक इनकम ग्रुप है तो आप मिडल में रहोगे या फिर आप लोअर में

सिस्टम और टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तीन मेन टाइप है स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए क्लासिफाई करने के लिए तीन मेजर से जिसमें पहला है आपका कास्ट सिस्टम दूसरा आता है आपका स्टेट सिस्टम नाउ द कास्ट सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो कास्ट सिस्टम जो है इट इज पेक्यूलियर टू इंडिया पेक्यूलियर टू इंडिया यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ऐसा है जो एक्सपेक्टेड है इंडिया में क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है यहाँ वेरियस कल्चर्स है वेरियस रिलीजनज है तो उसके बेसिस पर हमारे इंडिया हमारी कंट्री में क्या होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ओके ना कास्ट सिस्टम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्पेसिफिक क्या बोला जा रहा है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट सिस्टम जो वो है वो इंटीग्रल पार्ट है ठीक है होना ही है एक हिंदू एक रिलीजन है जिसके अंदर अलग 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 अलग, अलग आपके क्या है कास्ट सिस्टम है लेकिन क्या सिर्फ हिंदू हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ही है हमारा कास्ट सिस्टम फॉलो होता है नहीं हमारे अदर रिलीजनस भी है अगर आप देखो क्रिश्चन हो गए मुस्लिम्स हो गए सिक्स हो गए इसके अंदर भी आपका कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में इंडिया में हिंदू का है, so हाँ है? कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है लेकिन इसी के साथ साथ क्रिश्चियस मुस्लिम्स और सिख में भी कास्ट सिस्टम देखे जाते हैं ओके द कास्ट सिस्टम इज द रिचिड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन हेरिडिटी स्टेटस कौन से बेसिस पर फॉर्म होता है एक रिजिड है रिजिड का मतलब होता है स्थिर यानी चेंज नहीं होने वाला तो कहां सिस्टम कौन से बेसिस पे बना दिया गया है एक तो आपका हेरिडिटरी स्टेटस है हेरिडिटरी यानी कि जो फोर फादर्स का स्टेटस हुआ करता था तो वही बेसिस पर क्या है आपका भी स्टेटस जो है वो सोसाइटी में फॉर्म हो गया है फिर आता है आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो आपका ऑक्यूपेशन आपके फैमिली मेम्बर्स का आपके फोर फादर्स का आपके एनसिसटर्स का चला आ रहा है उसी के बेसिस पर क्या होगा यहाँ पर आपका कास्ट सिस्टम जो है वो फॉलो होता है जो उनका ऑक्यूपेशन था सेम ऑक्यूपेशन आपका होगा और उसी के साथ साथ लास्ट में हमको क्या बोल रहा है एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल रिलेशनशिप्स यानी सोसाइटी में जो आप रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखते हो मे बी विथ योर नेबर्स मे बी विथ योर फ्रेंड्स तो उसके साथ क्या होता है आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि लोअर क्लास को या लोअर कास्ट को अपर कास्ट के साथ में मिक्सअप होने का इजाज़त इज, इज, जो है वो नहीं है क्यों क्योंकि दोनों की कास्ट सिस्टम अलग है तो दोनों के सोशल रिलेशनशिप्स भी जो होंगे वो क्या होंगे अलग होंगे दैर इज नो वैलिड थियोरी दैट कुड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट अब किसी तरीके की कोई एक थियोरी नहीं है जो बता सके कि कास्ट सिस्टम क्यों आया है कैसे आया है किस लिए आया है लेकिन क्या बोल रहा है ये सम सोशोलॉजिस्ट आर ऑफ़ द व्यू दैट कास्ट इज़ अ प्री आर्यन इंस्टीट्यूशन कुछ सोशियोलॉजिस्ट का कहना है जो प्री आर्यस जो आए थे जब उसके पहले से कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक क्लैन लाइफ इन इंडिया प्री हिस्टोरिक क्लैन लाइफ है यानी कि जब पास्ट में अगर हम जाकर देखें तो वहाँ से जो चीज़ें फॉलो होते आ रही है वो अभी तक फॉलो हो रही है यानी कि कोई एक वैलिड थियोरी नहीं है जिसके बेसिस पे हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम फॉलो होता है हो सकता है एंसेस्टर्स फॉलो करते थे इसीलिए हम भी उस चीज़ को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं लेकिन कोई एक वैलिड थियोरी उसकी अभी तक नहीं आई है हमारे सामने कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है जो बोलते हैं कि ये जो हमारा कास्ट सिस्टम बनता था ये कलर के बेसिस पर भी डिसाइड किया जाता था कलर यानी हमारे स्किन टोन के ऊपर उसके बेसिस पर भी कास्ट को डिसाइड किया जाता था नॉ समर्स इक्वेट द कास्ट सिस्टम विद द ओरिजिनल ओल्ड वरना सिस्टम अब कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है जो बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है इट इज़ कम्पलीटली बेस्ड ऑन योर वरना सिस्टम वरना सिस्टम के ऊपर भी क्या है कास्ट सिस्टम जो है वो पूरा बेस्ड है द वरना सिस्टम क्लासीफाइड इंडिविजुअल्स इंटू फोर ग्रुप्स बेस्ड ऑन दुपेशन था जो ऑक्यूपेशन जो काम आप सोसाइटी में कर रहे हो उसके बेसिस पर क्या किया जाता था आपका कास्ट आपका वर्ना सिस्टम बोलता है ओके okay. अब कौन सी बेसिस पर वरना सिस्टम हमारा फॉर्म हो चुका था एक तो आता है आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास तो ये हमने चार ऑलरेडी हमारे चैप्टर वन में भी जो है वो पढ़े हैं कि ब्राह्मण्स कौन होते हैं रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं क्षत्रियास कौन होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वैश्यर्स कौन होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ट्रेडर्स होते हैं शूद्रास कौन होते हैं बेसिकली जो वर्कर्स और लेबरर्स की क्लास होती है उनको शूद्रास माना जाता है नाउ इट इज टू बी नोटेड दैट कास्ट एंड वर्ना आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स इस चीज को हमेशा याद रखना अगर आपके सामने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रज आ भी जाता है ये आपके वर्णा सिस्टम में भी है ये आपके कास्ट सिस्टम में भी है लेकिन दोनों कंप्लीटली अलग है ये दो एक अलग कॉन्सेप्ट है ओके वेर आर सेवरल रिलीजियस एंड सेक्युलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कास्ट एंड वरना सिस्टम नो वन श्योर एग्जैक्टली वेन एंड हाउ इज द सिस्टम केव इन टू एग्जिस्टेंस जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसकी किसी तरीके की कि कोई सोशल थियोरी नहीं बनाई गई है कि कैसे एग्जिस्ट होकर आया है इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि दोनों सेम होता है कुछ का मानना है कि दोनों कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है तो ये थियोरी कहाँ से फॉर्म होकर आई है ये हमको नहीं पता है हाउ इट इज सेफ टू कंक्लूड दैट का वरना सिस्टम वॉज अ फंक्शनल डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वरना सिस्टम कौन से बेसिस पर बनाया गया आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पे एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आप जो काम करने के योग्य हो उसके बेसिस पर आपका वरना सिस्टम जो है वो फॉर्म किया जाता है जैसे कि यह एग्जाम्पल दिया है एनी इंडिविजुअल एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग कुड बी कंसिडर्ड एज ब्राह्मण यानी अगर आपको कुछ सीखना है रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करनी है आपको अगर ये चीज आप कर पाते हो परफॉर्म कर पाते हो काम कर पाते हो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण नेक्स्ट एनी इंडिविजुअल विद एन एप्टीट्यूड फॉर वॉफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी कंसिडर्ड एड एज क्षत्रियज यानी कि अगर वॉरफेयर या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड से अगर आप में वो योग्यता है आप में वो काबिलियत है तो आपको क्षत्रिय माना जाएगा उसी तरीके से इफ़ यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर बिजनेसिस दैन यू विल बी कंसिडर्ड एज वैश्यज़ दरना सिस्टम वॉज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन दर एप्टीट्यूड या एबिलिटी तो यहाँ पर आपको याद रखना है एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है एप्टीट्यूड का मतलब योग्यता या एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जो काम आप परफॉर्म कर सकते हैं उसके बेसिस पे आप उस वरना सिस्टम को बिलोंग करते हैं दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वरना सिस्टम इज ओके वरना एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट बट टुडे कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स विद ऑल इट्स पेक्यूलियरिटीज़ अब वरना सिस्टम ऐसा है क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड के ऊपर था इसलिए पास्ट में एग्जिस्ट हुआ करता था प्रेजेंटली जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में है दैट इज योर कास्ट सिस्टम जो आज भी हर कंट्री के पास्ट में क्या होता है फॉलो होता है आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्पेशल फीचर्स देखते हैं हमारे कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट पहला आता है आपका हायरार हायरार्की का मतलब क्या होता है हायरार्की का मतलब होता है आप एक पिरामिड फॉलो कर रहे हो हायरार्की मतलब से फॉर एग्जांपल हमने एक पिरामिड हमेशा पढ़ा है अगर हमको याद होगा यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट होता है यहाँ पर मिडल होता है हमारा और यहाँ पर कौन होते हैं यहाँ पर हमारे लोअर ग्रुप्स होते हैं सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं हायरार्की बोलते हैं पिरामिड में सबसे पहले टॉप उसके बाद मिडल उसके बाद लोअर तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम में देखा जाए तो अपर होता है मिडल होता है कास्ट में और फिर कौन होते हैं हमारे लोअर होते हैं तो सोशल एंड रिलीजियस हायरार बनाई गई है क्या बनाई गई है सोशल और रिलीजियस हायरार तो उस हायरार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती है किसको मिलती है ब्राह्मिस जो है वो सबसे पहले टॉप पर रहेंगे एंड अ नंबर ऑफ लोअर कास्ट एट दी बॉटम यानी यहाँ पर टॉप में जो रहेंगे वो कौन रहेंगे ब्राह्मिस होंगे और लोअर में कौन होंगे हमारे वर्कर्स या लेबरर्स होंगे एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर कास्ट एंड सब कास्ट इन मिडल ऑफ पिरामिड अब ये जो मिडल में जितने लोग हैं यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट और सबकास्ट हमारे सेग्रीगेट होकर क्या हुए हैं बने हुए हैं तो पिरामिड में एक चीज तो कन्फर्म है टॉप पर ब्राह्मीस रहेंगे और जो लोअर है उसमें आपके वर्कर्स या लेबर रहेंगे और जो मिडिल में है उसके अंदर ऑलरेडी और अलग 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 सबकास्ट जो है वो फॉर्म हो चुकी है तो दैट इज हाउ दायर आर् गोज वेन वी टॉक अबाउट यूर कास्ट सिस्टम नेक्स्ट दैट वी हैव एज हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब होता है

द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटर्माइंड बाई द कास्ट इन विच वन इज बॉर्न यानी आप कौन से कास्ट में बॉर्न हुए हो अगर आप ब्राह्मिन फैमिली में बॉर्न हुए हो तो यू विल बी कंसिडर एज ब्राह्मिन सिमिलरली इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ क्षत्रिया वैश्यज अशूद्राज तो आपको जिस भी आप कास्ट में बॉर्न हुए हो आपको उसी के हिसाब से क्या करना है अपने कास्ट को फॉलो करना है दैट इज वॉट मीन बायर हेरिडिटी एंड देट इन अ शूद्रा फैमिली इज अ शूद्रा अगर आप शुद्रा फैमिली में बॉर्न हुए तो यू विल बी कंसिडर टू बी अ शूद्रा नेक्स्ट इज एंडैमी कास्ट सिस्टम फॉलोज एंडोगैमी एंडोगैमी का मतलब होता है मैरिंग विदिन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप कास्ट और एथनिक ग्रुप देयर बाय रिजेक्टिंग अदर्स फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप एज अनसुटेबल फॉर मैरिज और फॉर क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एंडोगैमी का मतलब अगर आपको ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा तो ट्राइबल में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था एंडोगी ग्रुप होते हैं मतलब अपनी ही कम्युनिटी के अंदर क्या करेंगे वो शादी करेंगे उसके बाहर नहीं करेंगे तो कास्ट सिस्टम में भी सेम चीज़ होती कि आप अपने ही कास्ट में शादी कर रहे हो इंटर कास्ट मैरिज जो है वो आप नहीं कर रहे हो आप अपने ही कास्ट में शादी करते हो उसको बोला जाता है एंडोगैमी ताकि आपकी जो कास्ट की जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो आप वो कहीं तरीके से क्या ना हो जाए वो कई तरीके से कंप्लीटली

Could the for of caste rules. कि अगर आपने अपने कास्ट का कोई भी रूल तोड़ा तो थो, उसके लिए आपको जो लीडर होते थे पेनल्टी तो, भी, भी पे करना पड़ेगा गिविंग कार्पोरल पनिशमेंट एक्स कम्युनिकेशन एंड सोन कार आपको बुरी से बुरी सजाएं भी दे सकते हैं आपने किसी भी तरीके से रूल्स को ब्रेक किया तो नेक्स्ट आता है आपका लोकलाइज ग्रुप देर इज नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दैट इवेलुएट्स कास्ट एन ऑल ओवर द कंट्री फॉर इंस्टेंस अ पर्टिकुलर कास्ट में बी कंसिडर्ड अनटचेबल इन वन रीजन बट नॉट इन अनदर रीजन लोकलाइज ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है आपको जैसे एग्जाम्पल दिया है हो सकता है किसी एक कास्ट को किसी एक रीजन में या किसी एक स्टेट में उनको अनटचेबल माना जा रहा हो

कैरी फॉरवर्ड होता है आपकी आने वाली जनरेशन को जैसे ब्राह्मि रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं रिलीजन की जो भी पढ़ाई होती है रिलीजन स्कॉलर्स होते हैं वो लोग तो वो क्या करते हैं अपने ही जितने भी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ में अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं और उनको भी ब्राह्मि में ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि उनका जो बर्थ है वो कौन सी कास्ट में हुआ है ब्राह्मण में ही हुआ है फॉर इंस्टेंस द ऑक्यूपेशन ऑफ रिलीजियस प्रीचर वॉज हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मनी लैंडर्स ट्रेडर्स एक्सेट्रा अब आप जिस किसी कास्ट में पैदा हुए हो उसी में क्या होता है आपका जनरेशन टू जनरेशन जो काम है जो ऑक्यूपेशन है वो पास ऑन होता है थियरी ऑफ पल्यूशन नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हमको याद होगा हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर कुछ पढ़ा था तो हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है स्पेसिफिकली आदिवासी के लिए उन्होंने ग्रीजनस के करके एक टर्म यूज़ किया और उसी के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब्स भी बोला है तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है कि अगर उन्होंने हमको छू लिया तो हम भी क्या हो जाएंगे अपवित्र हो जाएंगे तो क्योंकि हम किसी ह्यूमन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं हम को इस तरीके से अपने आप से अलग नहीं समझ सकते हैं हम डोमिनेट नहीं कर सकते हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इसके लिए क्या हुआ था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी अपना राइट्स जो है वो दिया है और अनटचेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर आप किसी को अनटचेबल समझते हो तो एज़ पर लॉ आपको उसकी पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है दिस इज वॉट एग्जैक्टली थियरी ऑफ पोल्यूशन इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन कास्ट वेद ट्रेडिशनली डिटर्माइंड बाई दॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी यानी कास्ट जो है पहले कौन से बेसिस पर डिसाइड की जाती थी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी छूत और अछूत जिसको हम बोलते हैं वो माना जाता था तो so, यहाँ पर क्या हुआ दिस थियोरी एजोटेड दैट लोअर कास्ट आर पोल्यूटिंग द हायर कास्ट लोअर कास्ट जो है वो बोलते थे हायर कास्ट को क्या करती है पल्यूट करती है क्यों अगर उन्होंने हमको छू भी लिया या हमको देख भी लिया तो हम लोग क्या हो जाएंगे अपवित्र हो जाएंगे ऐसा माना जाता था डॉक्टर आम्बेडकर टू डिस्ट्रॉय अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन द लोअर कास्ट वेट डिनाइड एक्सेस टू स्कूल्स प्लेस ऑफ वर्शिप वेल्स एंड सो ऑन तो लोअर कास्ट को क्या किया था उनको स्कूल्स में आने नहीं दिया जाता था उसी के साथ साथ मंदिरों में आना अलाउड नहीं था तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी था इसको कंप्लीटली क्या किया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसको खत्म किया है नेक्स्ट फूड हैबिट्स देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग फूड हैबिट्स हमारे फूड हैबिट्स भी हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे कि प्योर ब्राह्मिज वे रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड

हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी काफ़ी ज्यादा डिफर करते हैं एज पर द कास्ट फॉर इंस्टेंस द सेक्रेट थ्रेड इज वोन बाय अपर कास्ट हिंदूज उसी के साथ साथ सेरेमनी ऑफ वेयरिंग द सेक्रेट थ्रेड और दी यज्ञोपवित्र इज ऑल्सो नोन एज उपनयम तो उपनयन सेरेमनी इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द हायर कास्ट हिंदूज तो बेसिकली एक जो पवित्र धागा होता है जो बांधा जाता है जैसे अगर आप ब्राह्मण्स को देखो तो वो एक धागा जो है हमेशा अपने गले में पहनते हैं तो उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है तो क्योंकि ये कस्टम्स और ट्रेडिशन का पार्ट है इसके लिए ये किसको अलाउ किया गया सिर्फ अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट को अलाउ नहीं किया गया है तो दैट इज़ व्हाट वी मीन योर कस्टम्स एंड योर ट्रेडिशंस ऑल्सो राइडिंग अ हॉर्स ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन इज नॉट अलाउड फॉर लोअर कास्ट ग्रूम्स जो लोअर कास्ट में जो दूल्हे होते हैं उनको घोड़ी पर जाना भी अलाव नहीं है अपनी शादी के लिए अपनी बारात के लिए घोड़ी लेकर जाना अलाउ नहीं है कार लेकर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि उनको माना जाता है यू बिलोंग टू लोअर कास्ट तो जो स्टेटस हम एज एन अपर कास्ट एंजॉय करते हैं वो हक आपको नहीं है इसलिए उनको वेडिंग प्रोसेशन में जो है वो हॉर्स भी लेकर जाना अलाउ नहीं है दिस मीन्स ओनली ग्रूम्स फॉम फ्रॉम अपर कास्ट कैन राइड अ हॉर्स ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन तो क्यों ऐसा बोला गया क्योंकि उनको लगता है हम अपर कास्ट हैं हम ही ये सारा हक रखते हैं इन सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने का लोअर कास्ट ये फैसिलिटीज़ एंजॉय नहीं कर सकते ओके okay, तो ये था हमारा कंप्लीट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कास्ट सिस्टम का था नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर क्लास सिस्टम क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल इन नेचर यूनिवर्सल का मतलब होता है इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर क्लास सिस्टम इज बेसिकली यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं हर एक कंट्री में जो है आपका क्लास सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है इट इज़ ऑल सिविलाइज सोसाइटीज हर एक सोसाइटी में है अक्रॉस दी ग्लोब अक्रॉस दी ग्लोब यानी पूरी दुनिया में हर जगह क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है द क्लास सिस्टम रेफर्स टू क्लासीफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देर इकोनॉमिक पोजिशन इन सोसाइटी आपकी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक पोजिशन है वेदर यू आर वेल्दी वैदर यू आर रिच व यू आ नॉट वेल्दी आर रिच तो उसके बेसिस पर क्या होता है आपका क्लास सिस्टम जो है जो अपर क्लास मिडल क्लास लोअर क्लास वो डिसाइड किया जाता है इट इज़ द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक अचीवमेंट जो आपकी इकोनॉमिक अचीवमेंट है यहाँ पर बर्थ जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है अगर आप लोअर कास्ट में भी बॉर्न हो लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस एक टाइम के बाद आपने बहुत अच्छा बना लिया फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो आपको अपर क्लास में काउंट किया जाएगा अगर आपका बॉर्न हुआ है एक ऐसे कास्ट में जहाँ पर आप लोवर में बिलोंग कर देते हैं लेकिन क्योंकि एक टाइम बाद आपने मेहनत की आप अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ गए अभी आपके पास अच्छा खासा पैसा आ गया तो आपका बर्थ जो है कौन से कास्ट में है वो डिसाइड नहीं करता है कौन से क्लास में वो डिसाइड नहीं करता है आपका जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है वो डिसाइड करता है कि आप कौन से क्लास को बिलोंग करते हो हाउ एवर इंडिविजुअल्स बॉर्न इन वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशल फैमिलीज है अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज डेफ़िनेटली आपका बर्थ डिसाइड नहीं करता है लेकिन एक और चीज़ है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते जो अपर क्लास में बॉर्न होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है रिसोर्स भी मिलती है एज़ कम्पेयर टू योर मिडल क्लास एंड योर लोअर क्लास फैमिलीज नॉर्मली द क्लासेज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्लासीफिकेशन अपर इनकम मिडल इनकम एंड लोअर इनकम क्लास अपर इनकम क्लास मिडल इनकम क्लास एंडर लोअर इनकम क्लास इसके बेसिस पे आपकी क्लास डिसाइड की गई है ईच ऑफ क्लासेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री अब ये क्लास को फिर से आगे डिवाइड किया गया है अपर इनकम क्लास इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू अपर क्लास एक तो अपर क्लास हो गई उसके बाद अपर मिडल क्लास होते हैं उसी के साथ साथ अपर लोअर क्लास भी होते हैं ऑलरेडी तीन में हमारा डिवाइड हुआ था अपर मिडल एंड लोवल अब अपर को वापस से डिवाइड किया गया अपर क्लास अपर मिडिल और अपर लोवल में तो इस तरीके से क्लासेस के बेसिस पे आपका स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि डिविजन होता है सोसाइटी में ओके तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्लास डिसाइड करते हैं सोशोलॉजिस्ट कंसिडर सेवरल फैक्टर्स टू डिटरमाइन द क्लास अब कैसे पता चलेगा कि आपका इकोनॉमिक अचीवमेंट या इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है और आप अपर में मिडल में या लोअर क्लास में आओगे तो एक है आपका इनकम एंड वेल्थ कितने असेट्स है आपके पास कितना गोल्ड कितनी ज्वेलरी असेट्स बेसिकली आपके क्या होते हैं कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास में वो डिसाइड करता है कि आप कौन से क्लास में बिलोंग करते हो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है किस तरीके का एजुकेशन आपने परस्यू किया है किस तरीके की यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है वो भी ज़रूरी है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन जो आपने काम चुना है जो आप काम कर रहे हो आप कौन सी पोजीशन पर हो किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहे हो मटेरियल पोजीशन यानी कि अब मटेरियल चीज़ें आपके पास क्या क्या है लग्जूरियस कार्स है गोल्ड है या नहीं है तो कितनी क्वांटिटी में है और क्या नेटवर्थ है उसका वो भी डिसाइड करता है आपका क्लास लोकेलेटी ऑफ रेसिडेंस किस तरीके के एरिया में आप रहते हो स्लम एरिया में रहते हो आप कोई बहुत हाई फाई रिच एरियाज में रहते हो ये भी आपकी क्लास डिसाइड करता है और लास्टली है आपका स्टेटस सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है इसके बेसिस पर आपकी जो क्लास है वो डिसाइड की जाती है एक और बार देख हम, एक तो आपका लोकलाइजेशन क्या है, 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 है यानी कि आप कहा रिसाइड करते हो कौन सी लोकेशन पर रहते हो मटेरियल पोजेशन क्या क्या है आपके पास इन सब के बेसिस पे आपका क्लास डिसाइड होता है कि आप अपर क्लास में हो मिडल क्लास में हो या लोअर क्लास में हो

अब इन एस्टेट सिस्टम सोशल पोजीशन अब आपकी सोशल पोजीशन जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी कैसे पता चलेगा आपकी सोशल पोजीशन क्या है या सोशल स्टेटस क्या है इट वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर ओनरशिप अपॉन योर ऑक्यूपेशन एंड हेरिडिटी स्टेटस अब यहाँ पर तीनों चीज़ देखी जाती थी एक तो ओनरशिप पजेशन आपके पास क्या क्या है एक आपका ऑक्यूपेशन क्या है और हेरिडिटी क्या है हेरिडिटी का मतलब जो जनरेशन से जनरेशन तक पास ऑन होते हुए आई है ये तीन चीज को कंसिडर किया जाता था किसमें आपके एस्टेट सिस्टम में एवरी स्ट्रैटम इन दिस सिस्टम हैड इट्स ओन एस्टाब्लिश्ड राइट्स एंड ड्यूटीज तो जो भी आपका ये डिसाइड किया जाता था ओनरशिप ऑक्यूपेशन और आपका हेरिडिटी स्टेटस तो इनको एक एक स्ट्रैटम बोला गया एक एक स्टेज बोला गया तो ये चार ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या होता था अपनी एस्टेबलिश्ड राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती थी जो आपको फॉलो करनी है दिस सिस्टम हैड अ हायरार्की बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड डिड नॉट अलाउ मच मूवमेंट फ्रॉम वन स्ट्रैटम टू अदर अब यहाँ पर क्या होता था जैसे क्लास में आज अगर आप बॉर्न हुए हो लोअर क्लास में लेकिन आप शिफ़्ट हो सकते हो चेंज हो सकते हो अपर क्लास में जब आप लाइफ में अपने मटेरियल पोजिशन के साथ लग्जरी आइटम्स के साथ जब आप बहुत कुछ अचीव करते हो लाइफ में तो आप लोअर क्लास से अपर क्लास तक पहुँच सकते हो तो वहाँ पर अलाउ है लेकिन सिस्टम जो है है वो क्या बोलता है? कौन से बेसिस पे डिसाइड तो तो दूसरे स्ट्रैटम की तरफ बढ़ना बिल्कुल भी अलाव नहीं था अब जो है, वो भी चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कैसे सबसे पहले आता है क्लर्जी फिर आता है आपका एरिस्टोक्रेट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ट्रेडर्स मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन और लास्ट में आता है आपका सर्व्स लैंडलेस का मतलब होता है फार्मर्स और स्लेव्स यानी कि गुलाम तो इन चीजों के बेसिस पर आपका एस्टेट सिस्टम बना था ये चार बेसिस हैं चार ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहीं ना कहीं आप देखो तो ये हमारे इंडिया के कास्ट सिस्टम को मैच करता है ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास लेकिन एस्टेट सिस्टम में और कास्ट सिस्टम में क्या फर्क था वो हम देखते हैं ओके okay. यहां पर है क्लर्जी द क्लर्जी परफॉर्मड रिलीजियस ड्यूटीज तो क्लर्जी जो होते थे उनका काम क्या था रिलीजियस ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करना था दे एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज एंड ओन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड अब जैसे हमारा ब्राह्मिंस था वो भी रिलीजियस प्रीचर्स हुआ करते थे स्कॉलर्स हुआ करते थे लेकिन यहाँ पर जो क्लर्जी है ये भी रिलीजियस प्रीचर्स और स्कॉलर्स होते थे लेकिन इनके पास क्या क्या अथॉरिटी थी सोसाइटी में इनको प्रेस्टीज यानी कि नाम तो बहुत था इज्जत तो बहुत थी उसी के साथ साथ ये क्या बोलते थे हम रिलीजियस प्रीचर्स हैं तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो होगा वो हमारे पास होना चाहिए यानी कि इनके पास ओनरशिप थी कौन सी ओनरशिप थी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड ऑक्यूपेशन क्या था इनका देवेर

नेक्स्ट वी हैव इज योर एरिस्टोक्रैट्स एरिस्टोक्रैट्स कम्प्राइज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रॉयल्टी और फ्यूडल लॉर्ड यानी कि यहाँ पर बात आ जाती है आपके किंग्स की दे एंजॉयड हेरिडिटी स्टेटस एंड प्रस्टीज इन टू दोसाइटी नो द वेल्थ वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैर हेंस अब जो वेल्थ थी इनके भी हाथ में हुआ करती थी द एरिस्टोक्रैट ऑन द लैंड एज वेल एज लैंडस पीजें यानी कि अब ये जो एरिस्टोक्रैट्स हुआ करते थे इनके पास लैंड की तो अथॉरिटी थी वो उनके हाथ में था उसके साथ साथ वो लैंड के साथ लैंडलेस पीजेंस जो हुआ करते थे फार्मर्स जो हुआ करते थे उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन किया करता था एरिस्टोक्रैट्स करते थे वो लिव्ड एंड वर्कड ऑन दी लैंड अब ये जो लैंडलेस पीजें होते थे इनसे वो अपने ही लैंड पर क्या करवाते थे काम करवाते थे द एरिस्टोक्रैट्स वे वॉरियर्स एंड प्रोटेक्टेड द फ्यूडल टेलेंट और सर्वेंट अब ये जो एरिस्टोक्रैट थे ये वॉरियर्स हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमने पढ़ा था ब्राह्मि के बाद नेक्स्ट हुआ क्षत्रियाज लेकिन हमारे जो क्षत्रिया थे वो कभी किसी तरीके से लोगों को कंट्रोल नहीं करते थे लेकिन यहाँ पर जो एरिस्टोक्रैट है वो क्या करते हैं लैंड की ओनरशिप भी रखते थे और लैंडलेस पीजेंस को भी कंट्रोल किया करते थे नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडर्स मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन मैन सिस्टम ने हमने पढ़ा था किसके बारे में वैश्यस के बारे में जो बिजनेस करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं तो यहाँ पर क्या करते थे द मर्चेंट्स अंडर टूक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज क्राफ्ट्समैन मैन अंडर टुक पर्टिकुलर क्राफ्ट बिजनेस जो होते थे जो आपके ट्रेड uh, मर्चेंट्स होते थे वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करते थे और जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट से रिलेटेड काम किया करते थे क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं जो अपने हाथों से कुछ चीज़ों को बनाया करते हैं जो आर्ट और क्राफ्ट के वर्क में होते हैं जो हाथों से बनाते हैं जैसे कि पॉटर्स होते हैं जो पॉट बनाते हैं अपने हाथों से बनाते हैं तो उनको हम क्राफ्ट्समैन बुलाते हैं तो ये लोग एक पर्टिकुलर क्राफ्ट पे काम करते हैं विच वॉज मोस्टली पासड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अब ये चीज़ें क्या होती थी अपनी जनरेशन से लेकर आगे की जो जनरेशन आने वाली है तो ये क्राफ्ट्समैन और ये मर्चेंट जो है अपना बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी थे वो क्या करते थे अपनी जनरेशन में पास ऑन किया करते थे इन रियल सेंस द मर्चेंट्स एंड द क्राफ्ट मैन वेर आउटसाइड सिस्टम अगर देखा जाए तो ये लोग एस्टे, एस्टेट सिस्टम के थोड़े से बाहर है क्यों बाहर है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था हमको एस्टेट सिस्टम में आप एक स्ट्रैटम से दूसरे स्ट्रैटम की तरफ नहीं बढ़ सकते हो और दूसरा क्या बोला गया था ओनरशिप ऑक्यूपेशन और हेरिडिटी ये तीन चीज़ होनी जो है आपके पास जरूरी है ऑक्यूपेशन था इनके पास में हेरिडिटी थी लेकिन ओनरशिप जो है वो नहीं थी इसीलिए इनको जो है एस्टेट सिस्टम में ज्यादा कंसिडर नहीं किया गया लास्ट है आपका सर्व्स एंड स्लेव्स तो सर्व्स एंड स्लेव्स कौन होते हैं बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे गुलाम की तो गुलामी करवाई जाती थी किससे जो लैंडलेस पीजेंस होते थे सर्व्स वेर लीगली टाइड टू द लैंड द कंडीशन वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ स्लेव्स हाउ एवर स्लेव्स द सर्व्स वेर नॉट बॉट और सोल बट केम विद द लैंड सर्व्स एट क्लियरली डिफाइंड राइट्स बट दे वर एक्सप्लॉयटेड बाई द फीडल लॉट्स तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जिन जो पीजेंस का लैंड हुआ करता था उस लैंड को लेकर जैसे कि अगर इन, इनको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया लोन दे दिया तो लोन के साथ में अब उनको क्या किया जाता था लोन तो आपको दे दिया लेकिन अब आपको यहाँ पर अप, हमारा जो है वो जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा तो उनसे गुलामी भी करवाते थे और उनकी लैंड की ओनरशिप जो है वो भी वो क्या करते थे फीडल लॉट जो हुआ करते थे वो अपने पास रख लेते थे तो ये आपका चार एस्टेट सिस्टम है जिसमें क्या बोला गया है आप एक स्ट्रैटम से दूसरे स्ट्रैटम की तरफ नहीं बढ़ सकते हो यानी कि अगर आप सर्व और स्लेव हो तो आप ट्रेडर्स मर्चेंट्स और क्राफ्टमैन नहीं जा सकते हो आप यहाँ से एरिस्टोक्रैट नहीं बन सकते हो और ना ही आप क्लर्जी बन सकते हो

सिस्टम जो किसके ऊपर बेस्ड है ओनरशिप भी चाहिए ऑक्यूपेशन भी चाहिए और हेरिडिटी भी चाहिए तो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है हमारा आगे का कॉन्सेप्ट जो आने वाला है जो अगेन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो हम कंटिन्यू करेंगे टिल देन स्टेट यूनिट लेक्चर थैंक यू वेरी मच